क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के इनने एक भी कर्ता बना सा दी, एक कर्ता को भी फाइनल नहीं मान्या, नौ ठहरा दिए, नौ अवतार नौ भगवान, और दसवा अवतार और आवेगा, दसवा अवतार और आवेगा नी कलंक नाम ते, कलियुग के एंड में, कलियुग के अंत में, और उसमें ये कृत घनी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, सरेआम दुष्कर्म कराया करेंगे, दिल खोद कराया करेंगे, कच्चा आहार कराया करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग, जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, साढ़े चार फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा, साढ़े यानी तीन हाथ लगभग साढ़े चार फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा, कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी और वर्षा नहीं होया करेगी, प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोशत मांस खाया करेंगे। उसमें लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की, और उसमें से पांच खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा, और गर्भारी भी हो लेगा, और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी, और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ, उस समय ये कृत घने प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी, वो होंगे ऐसे ही मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा, जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे, और जो जिनके पैर फिसल गए नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे, इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा, तो उस समय क्या होगा कि नी कलंक नाम का एक अवतार आवेगा, वो कौन होगा, राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था, अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने बेटा अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की, जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, और जब वहां से इस पुण्यात्मा को दसवां अवतार बनाकर यू काल भेजेगा, जो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया, ओह परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला, और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को नीकलंक नाम से
संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पर इसका जन्म होगा। दसवें अवतार का दसवां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णु दत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा उसके घर पर जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा, उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता हो तो, और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा न जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा न बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा, उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डर। कलयुग में सबकी दुर्गति होगी, इससे अच्छा है कि आप इस समय संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके अपना कल्याण करो, और क्या पता अगला जन्म आपका कौन सी योनि में जाए। सिर्फ इस समय संत रामपाल जी महाराज जी है जो कि आपको सारे 84 लाख योनि का दान